आइए मैं इस एक्सरसाइज 8 के इस वीडियो में मैं आपको कैंसर के बारे में समझाता हूँ। कैंसर किस तरह का रोग है, कैंसर की उत्पत्ति कैसे होती है, कैंसर का पहचान क्या है, लक्षण क्या है, उसका उपचार क्या है, ऐसे सभी तरह के चीजों को मैं इस टॉपिक में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले कैंसर क्या है। कैंसर सिंपल सा आप समझते, शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर अस्थि तक, ध्यान रखेंगे, शरीर के किसी भी अंग में त्वचा से लेकर के अस्थि तक होने वाली अनियंत्रित या असीमित या अनलिमिटेड वृद्धि को कैंसर नाम दिया गया। कैंसर किसे कहा जाता है? अस्थि से लेकर के त्वचा तक या त्वचा से लेकर अस्थि तक अनियमित या असीमित सीमित या अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहा था? कैंसर। यहाँ पर एक मुख्य रूप से एक वर्ड आएगा, ट्यूमर, एक वर्ड आएगा ट्यूमर। आखिर ट्यूमर क्या है? ट्यूमर के बारे में सिंपल सा मैं कह सकता हूं, कैंसर कोशिकाएं जो होती है उसमें विभेदित, जब विभेदन होता, विभाजन होता है तो अनियंत्रित रूप से होता है। अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप, अनियंत्रित विभाजन के फलस्वरूप अलग हो करके अनियमित रूप से कोशिकाओं का समूह बनता है जिसे ट्यूमर कहा जाता है, या किसी को किसी किताब में नियोप्लाज्म कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, सिंपल सा अनियमित रूप से कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ट्यूमर या नियोप्लाज्म कहते हैं। दूसरा चीज और मैं बताऊं, एक वर्ड आएगा कभी आपको, ऑन्कोलॉजी। पूछा था ऑन्कोलॉजी क्या है? कैंसर या ट्यूमर, ध्यान रखेंगे, कैंसर या ट्यूमर की पहचान, उनका लक्षण, उनका अध्ययन, उनका उपचार, जो भी आप कह सकते हैं, कैंसर या ट्यूमर की पहचान तथा उपचार के अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वह जीव विज्ञान की शाखा ऑन्कोलॉजी कहलाती है। ऑन्कोलॉजी क्या है? कैंसर या ट्यूमर के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑन्कोलॉजी कहते हैं। सिंपल ऐसे भी आप कह सकते हैं। दूसरी चीज मैं बताना चाहूंगा, ऑन्कोलॉजी के अंतर्गत ट्यूमर और कैंसर के बारे में आप जानते हैं तो ट्यूमर कैसा कैसा होता है उसके बारे में बताता हूँ। सबसे पहला चीज, ट्यूमर दो तरह का देखा जाता है। सबसे पहला ट्यूमर को कहते हैं बिनाइन और दूसरा एक कहलाएगा मैलिग्नेंट ट्यूमर। तो बिनाइन ट्यूमर क्या है? तो सिंपल सा दिमाग रखेंगे, बिनाइन ट्यूमर वैसे ट्यूमर का आता है जो हानिकारक नहीं होता है, इससे कैंसर रोग की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, या जहां उत्पन्न होता है शरीर के जिस स्थान पर यह बनता है वहीं पर केंद्रित रहता है, वहां पर अनियमित वृद्धि नहीं करता, असीमित वृद्धि इसमें नहीं होता है, इसमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है। ऐसा आप कह सकते हैं तिल या मस्ता जो आप जानते होंगे, जिसको इंग्लिश में WORT वार्ट आप कहते हैं, ऐसा एग्जाम्पल आपको मिलता बिनाइन ट्यूमर का। लेकिन फिर दूसरा कैटेगरी है आपका ट्यूमर का, मैलिग्नेंट ट्यूमर। फिर मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है, ये ट्यूमर के बारे में आप जानिए। मैलिग्नेंट ट्यूमर हानिकारक और संक्रामक ट्यूमर होता है, खासकर इनकी कोशिकाओं में अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने की क्षमता होती है और यह कैंसर रोग उत्पन्न कर सकता है। यानी मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में बताया, इनकी कोशिकाओं में अनियमित अनियंत्रित रूप से वृद्धि करने की क्षमता होती है और यह अधिक हानिकारक होता है, कैंसर रोग उत्पन्न करने की क्षमता होती है। अब देखिए, कैंसर कोशिकाएं जो होती है खास करके उसमें देखा जाता है वह अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचकर रक्तवाहिनियों के द्वारा, लसिका के द्वारा दूसरे स्थान पर पहुंचकर अन्य अंगों को प्रभावित करने लगता है। इतनी इसमें वृद्धि आ जाती है, इसमें उसमें असीम क्षमता आ जाती है कि अन्य सभी अंगों को भी प्रभावित करने की क्षमता होती है। यह जो प्रक्रिया होता है इसको इंग्लिश में मेटास्टेसिस कहा जाता है। आपसे कोई पूछता है मेटास्टेसिस क्या है, सिंपल सा कहते हैं वास्तविक कैंसर की कोशिकाएं विभाजन के फलस्वरूप टूट करके रक्तवाहिनियों या लसिका वाहिनियों के द्वारा अन्य स्थान या अन्य अंगों तक पहुंचकर उन्हें प्रभावित करता है। इस तरह की घटना को मेटास्टेसिस कहा जाता है। जब मेटास्टेसिस स्टेज में आ जाता है ट्यूमर, देन वह बृहद विकार रूप का आपका कैंसर हो जाता है, जिसको थर्ड स्टेज में कहा जाता है, जिसका इलाज थोड़ा दिक्कत और कठिनाई से होता है। इस तरह के कैंसर के बारे में मैंने बताया, और भी मैं कैंसर के बारे में बताता हूँ, कैंसर कैसे पहचाना जाता है। मैं
मैं बात कर रहा था कैंसर कोशिका के बारे में, तो आप सामान्य कोशिका कैंसर कोशिका विभेद भी कर सकते हैं। सामान्य कोशिका के बारे में आप जानते हैं, कैंसर कोशिकाओं के बारे में कुछ करेक्टर बता रहा हूँ। जैसे पहला करेक्टर मैंने बताया, कोशिकाएं लगातार तीव्रता से वृद्धि करती है, तेजी से वृद्धि करने की इसमें क्षमता होती है। दूसरा चीज मैंने बताया, कोशिका विभाजन इसमें जो होता है अनियंत्रित, यानी इस तरह की जो कोशिकाएं होती है जिसकी जो विभाजन होती है अनियंत्रित रूप से, यानी अनलिमिटेड होती है। तीसरा चीज, जब ये लगातार विभाजन करेगा तो कोशिकाओं का समूह बनाएगा और ट्यूमर का निर्माण करेगा। चौथा चीज मैं इसमें बताया, इसकी जो कोशिकाएं होती है उसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसमें उंगली के समान संरचना यानी क्रिस्टी, इसकी संख्या बहुत कम होती है, लाइसोसोम की संख्या अधिक होगी। इतना ही नहीं, कहा जाता है इनका जो केंद्रक होता है इस कोशिका का वो अनियमित होता है, कणिका में होता है और अधिक विकसित होता है। इस तरह से मैंने इनकी कोशिकाओं का वर्णन किया जिसको कैंसर कोशिका कहा जाता है, जो असामान्य कोशिका के रूप में आप जान सकते हैं। सामान्य कोशिका से डिफरेंट होता है, यही कोशिका कैंसर का कारण होता है। आइए मैं कैंसर का प्रकार बताता हूँ। आइए मैं बात करूं कैंसर के प्रकार, अलग अलग तरह के उनके ऊतक के स्तर को देख करके निकालता चार प्रकार मुख्यतः मैं बताता हूँ। सबसे पहला कार्सिनोमा, कार्सिनोमा जो कि आज के डेट में हमारे समाज में देखा जाता है, हमारे पूरे धरती पर देखा जाता है। अगर मानव में सबसे अधिक कोई तरह का कैंसर है वह कार्सिनोमा कहलाता है, क्योंकि कार्सिनोमा जो है एपिथेलियल ऊतक की कोशिकाओं में अनियमित वृद्धि होने के कारण होने वाला कैंसर है, एपिथेलियल ऊतक। अब उससे जो ऑरिजिनेशन है उस अंगों में होने वाला कैंसर कैसा करेगा, कार्सिनोमा। फेफड़े का कैंसर, स्तन का कैंसर, आमाशय का, अग्नाशय का, मुख का है, गला, गर्भाशय, सर्विक्स, प्रोस्टेट, यहाँ तक कि त्वचा का भी आप कैंसर आप कह सकते हैं। किसके अंतर्गत आता है, कार्सिनोमा। हर तरीके का आप इसके अंतर्गत ले आते हैं, लगभग पूरा का पूरा 85% कैंसर के बाद कहा जाते हैं कार्सिनोमा टाइप। दूसरा सार्कोमा, सार्कोमा मेसोडर्मल ऊतक की है और अति वृद्धि को कहा जाता है सार्कोमा कैंसर का रूप। इसमें आते हैं आपके अस्थि है, मांसपेशी है, वसीय ऊतक, एडिपोज टिश्यू, इसमें कैंसर जो होता है उनको आप इसके अंतर्गत सार्कोमा, यह बहुत कम मात्रा में यानी 1% होता है इस तरह का। तीसरा लिम्फोमा, लिम्फोमा वैसे कैंसर कहा जाता है जो खासकर लसिका गांठ या स्प्लीन जिसको प्लिया कहते हैं या तिल्ली कहते हैं या अन्य कोई लसिका ऊतक है उनमें होने वाले कैंसर को लिम्फोमा कहा जाता है। ल्यूकेमिया बहुत ही प्रसिद्ध नाम है जिसको ब्लड कैंसर के नाम से भी जाना जाता है, रक्त उत्पादन करने वाला चाहे वस्थि मज्जा हो या अन्य कोई भी कोशिकाएं हैं उनमें अनियमित वृद्धि होने के कारण होने वाली कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है। इस तरह के केस में खासकर WBC की संख्या, लीकोसाइट्स की संख्या बहुत अधिक वृद्धि करती है और वह कैंसर ल्यूकेमिया का कहलाता है। ये कैंसर के कारण यानी किसके कारण कैंसर होता है इसके बारे में बात कर रहा था। कैंसर उत्पन्न करने वाला यानी कॉजेज ऑफ कैंसर दैट इज कॉल्ड कार्सिनोजेंस, ध्यान रखें कार्सिनोजेंस क्या है, सिंपल सा कहते हैं वैसे कारक जिसके द्वारा कैंसर रोग उत्पन्न होता है वैसे कारकों को कार्सिनोजेंस कहा जाता है। इसको अलग अलग कैटेगरी में देखा जा सकता है। पहला कैटेगरी रासायनिक यानी केमिकल कार्सिनोजेंस, मैंने बताया कई तरह के केमिकल कार्सिनोजेंस है, उसको मैंने कुछ दिख करके एग्जाम्पल दिया है। NDMA इसका फुल फॉर्म है, नाइट्रोसो डाइमिथाइल एमाइन, ये खास करके सिगरेट के पीने से ही हमारे फेफड़ा में जाता है और फेफड़े का कैंसर रोग उत्पन्न करता है। दूसरा चीज मैंने दिखाया बेंजपायरिन, ये जो केमिकल्स हैं ये कहाँ सिगरेट का धुआं है, कोल तार है, इसमें इसके जलाने पर निकलता है बेंजपायरिन और यह जो हमारे शरीर में जाता है त्वचा और फेफड़ा कैंसर का कारण बनता है। आप देख रहे हैं सिंथेटिक पिगमेंट, जो कपड़े उपड़े की बुनाई कढ़ाई होती है सिंथेटिक, वहां पिगमेंट का इस्तेमाल किया था, उससे ब्लड कैंसर होने की संभावना होती है। आप देख रहे विनाइल क्लोराइड, ये केमिकल्स लिवर कैंसर यकृत का कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। कैडमियम ऑक्साइड प्रोस्टेट कैंसर उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सेक्स हार्मोन लिंग हार्मोन अधिक स्रावित होने लगता है तो ब्रेस्ट कैंसर यानी स्तन कैंसर होने की संभावना होती है। ऐसे से कई केमिकल्स और भी, मैंने कुछ का एग्जाम्पल दिया। दूसरा चीज फिजिकल कार्सिनोजेंस, जैसे हम लोग देखते हैं रगड़ से यानी रगड़ने से यानी इरप्टेड करने से जब कोई जगह पर जख्म हो जाता तो वो भी कैंसर का रूप ले सकता है। जैसे उसके लिए क्या क्या, गुटखा, पान, तंबाकू, ये सब के खाने से मुख में रगड़ होती है और इसके कारण इरिटेशन के कारण मुख कैंसर होने की संभावना होती है। आप जानते हैं कश्मीरी लोग वहां अधिक ठंडा रहता है तो उदर के पास यानी पेट के पास वो कांगड़ी जलाते हैं जिससे क्या होता है शरीर गर्माहट रहता है, इससे भी पेट का रोग यानी उदर कैंसर होने की संभावना होती है।
इसके साथ साथ में रेडिएशन यानी विकिरण से होने वाला एक्स रे, यूवी रे, ऐसा ऐसा रेडियोटोप, आइसोटोप या अनआयनाइज रेडिएशन है, इनसे भी सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं में परिवर्तित हो जाए। इसके बाद मैंने जैविक एजेंट, जैविक कुछ मैंने बताया कारक है, जैसे कुछ विषाणु कुछ परजीवी है, कुछ हार्मोन्स है जिसके अधिक श्रावण से सामान्य कोशिकाएं कैंसर कोशिकाएं में परिवर्तित हो जाती है, जिससे कैंसर होने की संभावना है। अब इसी में बताता हूँ खास करके कैंसर का, जैसे कि मैंने बताया वायरस में कुछ ऐसे वायरस का एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे मिक्सो वायरस, पॉलियोमा वायरस, ऐसे ऐसे वायरस है, मिक्सो वायरस की पूरी प्रजातियां होती है, पॉलियोमा वायरस, ऐसे ऐसे वायरस है, ये भी कैंसर रोग उत्पन्न करने की यानी सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है। एक और वर्ड बताता हूँ, कहीं लिखा रहता है ऑन्कोजीन। आखिर ऑन्कोजीन क्या है? सिंपल सा ध्यान रखेंगे, वो जीन या ऐसा जीन जो मानव शरीर में सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिकाओं में परिवर्तित करने की क्षमता रखता है, वैसे जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, ऑन्कोजीन क्या है? ऐसा जीन जो सामान्य कोशिका को कैंसर कोशिका में परिवर्तित करता है, ऐसे जीन को ऑन्कोजीन कहा जाता है। आपसे कभी पूछा जाता है जीन कौन सा जीन है जो कैंसर रोग उत्पन्न करता है, आप बताएंगे ऑन्कोजीन। कौन सा वायरस है, आप सिंपल सा कहते हैं ऑन्को वायरस, उसका एग्जाम्पल मिल गया मिक्सो वायरस, पॉलियोमा वायरस। इसके साथ साथ एक और वर्ड कभी कभी पूछा जाता है, हेला सेल क्या है, किससे संबंधित है? याद रखेंगे, हेला सेल इज ए कैंसरस सेल, यानी यह भी एक प्रकार का कैंसर कोशिका है, यानी कैंसर रोग से संबंधित है हेला सेल। आइए मैं कैंसर के लक्षण के बारे में बताता हूँ, खास करके मैं आपको बताना चाहता हूँ लक्षण कैंसर का क्या क्या, आप कैसे समझेंगे हमें कैंसर की संभावना कैंसर हो चुका है। जैसे देखिए, पहला असामान्य लिकोसाइट की उपस्थिति, यानी WBC को लिकोसाइट्स कहा जाता है, अगर रक्त में WBC की संख्या अधिक हो रही है या असामान्य रूप से वृद्धि कर रही है या उसकी उपस्थिति असामान्य संरचना के रूप में, तो कैंसर का लक्षण माना जा सकता है। दूसरा चीज, अगर कहीं साइड पर जख्म होता, घाव होता, वह जल्दी ठीक नहीं हो पा रहा, शीघ्र नहीं बढ़ रहा, तो भी लक्षण है। तिल या मस्सा, सही पर कहीं पर भी गांठ बन जाता, तिल या मस्सा होता है, और वह अनियमित रूप से बढ़ने लगता है, तो भी यह लक्षण है। इसके साथ साथ शरीर में कहीं पर कड़ापन महसूस होना, कोई भी उभार हो जाए उस पर गांठ बनने की संभावना होना, गांठ सा निकलना, ये भी लक्षण है। इतना नहीं, शरीर वजन में कमी होना, भूख लगे लेकिन भोजन निकलने में कमी, भोजन निकलने में कठिनाई, कफ का लगातार बनना, ये भी लक्षण की दिखाई पड़ता, लक्षण की ओर कफ का लगातार बनना। इसके साथ साथ अनियमित रूप से रक्त का स्राव होना शरीर से, खास करके विशेष रूप से स्त्री में रसोनिवृत्ति मेनोपॉज के बाद अगर यह रक्त का स्रावन तेजी से होता है तो यह माना जाता है लक्षण किसका, कैंसर का। आइए मैं जब कैंसर की लक्षण पता कर लिए तो पहचानते हैं कि किस तरह से हम पहचान डायग्नोस कैसे करेंगे कैंसर के बारे में। आइए मैं बताऊं पहचान कैंसर कैसे हम जांच सकते हैं, तो उत्तकीय अध्ययन यानी टिश्यू कल्चर के द्वारा हम मैलिग्नेंट कैंसर कोशिकाओं की उपस्थिति पहचानते हैं। रक्त संबंधी जांच अगर किया जाए इससे हम असामान्य कोशिकाओं की पहचान कर पाते हैं। एक्सरे, सीटी स्कैन, MRI स्कैन, इनके द्वारा हम आंतरिक अंगों में आने वाले कैंसर की पहचान कर सकते हैं। मेमोग्राफी के द्वारा स्तन कैंसर यानी ब्रेस्ट कैंसर की पहचान कर सकते हैं। एक और टेस्ट है जिसको हम पैप टेस्ट करते हैं, उसके जरिए यूट्रस और सर्विक्स की हम कैंसर का पहचान कर सकते हैं। आइए इतने सारे चीज जानने के बाद उपचार के बारे में जाने, मैं बात कर रहा था उपचार ट्रीटमेंट में। चार ऐसे तो सामान्य रूप से देखा जाए प्रारंभिक स्टेज जब कैंसर का होता है उसका उपचार संभव है और उपचार आसानी से किया जा सकता है, लेकिन जैसे उसका लास्ट स्टेज पर पहुंचता है तो उपचार में थोड़ा कठिनाई आती है। तो कैसे उपचार किया जाता है, चार विधि मैंने बताया, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और लास्ट इम्यूनोथेरेपी। संघ क्रिया में सिंपल सा कहा था, बिनाइन ट्यूमर को आराम से आसानी से हम काट कर निकाल सकते हैं शरीर से, लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर में कैंसर कोशिकाओं में स्थानांतरण करने की क्षमता होती है, इसलिए अगर उसे निकालना होता तो बार बार सर्जरी किया जाता तब जाकर के संभव होता है। इसके लिए कभी कभी लेजर शल्य क्रिया की भी आवश्यकता होती है। इस तरह से हम सर्जरी के द्वारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
दूसरा थेरेपी कीमोथेरेपी, इसमें आप रासायनिक कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए कुछ दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है और इसके साथ साथ कैंसर कोशिकाओं के आसपास के अन्य ऊतक भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। जिसमें कुछ दवा का नाम मैंने लिखने की कोशिश किया है, फ्लोरोडासिल, नाइट्रोसोइडास, टैक्सोल, विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन, ऐसे ऐसे मेडिसिन का इस्तेमाल केमिकल रूप में किया जाता है। रेडियोथेरेपी में सिंपल सा कहते हैं रेडिएशन, रेडिएशन जो होती है उसमें रेडियो आइसोटोप को जोड़ा जाता है। वो आइसोटोप कौन कौन होते हैं, रेडॉन 220, आयोडीन 131, कोबाल्ट 60, ऐसे आइसोटोप को रेडिएशन के साथ मिलाकर किया जाता है इस्तेमाल। इम्यूनोथेरेपी जो कि प्राकृतिक रूप से कहा जाता है कैंसर कोशिका के विरोध में प्रतिरक्षा तंत्र को तैयार करना, इसको कहते हैं इम्यूनोथेरेपी, जिसमें आप सिंपल सा कहते हैं प्राकृतिक रूप से उपचार। इसमें कहा जाता है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को रेडियो आइसोटोप के साथ जोड़ करके कैंसर कोशिकाओं को नष्ट किया जाता है। कोशिश किया मैंने आपको कैंसर के बारे में सभी तरह की डिटेल्स नॉलेज देने का, आगे मैं प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में बताऊंगा।